कितने अरसे के बाद हमारा ख्वाब पूरा होने जा रहा है जो हमने एक साथ देखा था। एक एक पाई जोड़कर खुदा के घर हाजिरी देनी थी, लेकिन तुम तो पहले ही खुदा के पास चली गई। जैसे खुदा की मर्जी, खुदा की मर्जी के आगे मैं राजी। आज मैंने तुम्हारी पसंद की दाल बनाई थी जैसे तुम बनाती हो। खाना खाने के बाद याद आया कि तड़का लगा रहे भूल गया। हेलो बेटा, कैसे हो? नहीं बेटा, अभी नहीं, जब हो जाएगी पैसे जमा करा दूंगा। ठीक है बेटा, आने से पहले बता देना ताकि बच्चों के लिए मीठा बना लूं। हाँ जरूर, इंशाल्लाह। रहमान भाई, अस्सलाम वालेकुम। अरे रहमान भाई, कहाँ जा रहे हैं? आओ मैं छोड़ देता हूँ। अरे बैठ जाए बैठ जाए, जहां पे भी जा रहे हैं मैं छोड़ देता हूँ। हाँ मिठू, मुझे खुद नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ इस वक्त। बहुत परेशान हूँ, तू इस वक्त यहाँ से चला जा। अरे दूल्हा भाई, जब तक इंसान की सांसें चल रही हैं परेशानियां तो चलती रहेंगी। बैठो, चाय पर बैठते हैं और निकालते हैं तुम्हारे मसले का हल। कब आया जेल से? 3 महीने हो गए हैं। अब सब कुछ छोड़ चुका हूं। हाँ ये रक्षा लिया है, बस इसी से रोजी कमाता हूं। सुधरने वाली चीज तो नहीं है। अच्छा ये बता, परेशान क्यों है? यार मिठू, मैं, तू जानता है मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि कोई पक्की नौकरी का बंदोबस्त हो जाए, रोजी रोटी की फिक्र ना हो, लेकिन हमेशा ही नाकाम होता हूं। और अल्लाह की आजमाइश देख के मेरा बच्चा बीमार हो गया यार। डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन होगा उसका, 10 लाख मांग लिए यार डॉक्टर। इतना पैसा तो एक साथ लाना मुश्किल है। जानता हूं, इतना पैसा तो मैं उधार भी नहीं ले सकता किसी से। एक रास्ता है मेरे पास। क्या?
बोल। नहीं नहीं जाने दे यार, तू भी मैं भी यार। पे बोल ना, क्या रास्ता है तेरे पास? मैं अपने बेटे की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, समझा? बता क्या रास्ता? कुछ भी? हाँ ना, कुछ भी बोल। ठीक है बस, तो जो मैं कहूँ वो करना होगा। जैसे के? जैसे कि हम किसी को अगवा करेंगे और उसको पैसों का मुतालबा करेंगे। अबे ये काम मैंने कभी नहीं किया, मैं कैसे कर सकता हूँ? पागल हो गया तू? तो तुम्हें क्या लगता है इस बेहतर दुनिया में तुम्हारी कोई मदद करेगा? मैं नहीं कर सकता ये काम। नहीं, यहाँ पर अपने हिस्से की खुशियां छीननी पड़ती है। यहाँ पर तुम्हारा बेटा मर भी गया, साला किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने ये काम बहुत किए हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, जैसे ही पैसे मिलेंगे तुम असद का इलाज करवा लेना। औलाद की खातिर ये जुर्म कोई गुनाह नहीं है।